स्टॉक इन्वेस्ट। तो इस वीडियो में हम स्टॉक इन्वेस्ट और टेलर सिस्टम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक हैं ये मोस्टली एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्ट का मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब भी कंपनी पब्लिक इशू करती है तो उस टाइम पर स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए ये स्कीम लाई गई थी जिसे हम स्टॉक इन्वेस्ट बोलते हैं। तो ये स्कीम स्मॉल इन्वेस्टर की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है स्मॉल इन्वेस्टर को? जब भी कंपनी पब्लिक इशू करती है, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं कंपनी में, एप्लीकेशन मनी देते हैं कंपनी को। बट अगर कंपनी उनको अलॉटमेंट ना करे, तो अगर कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं की तो एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना होता है इन्वेस्टर्स के पास वापस कंपनी को। तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इसी टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए स्टॉक इन्वेस्ट स्कीम अप्लाई की गई थी। अब अगर कोई भी स्कीम आती है तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो फर्स्टली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का होना ज़रूरी है कस्टमर के पास, यानी कि इन्वेस्टर के पास। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का होना ज़रूरी है, और अकाउंट के साथ साथ उसमें अमाउंट का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि खाली से काम नहीं चलेगा। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टॉक इन्वेस्ट चेक आर इशूड। जब भी इन्वेस्टर चाहे उसमें से स्टॉक इन्वेस्ट चेक को इशू कर सकता है, जब भी कंपनी में अप्लाई करता है वो। और जो ये चेक है ये किस टाइम कंपनी को सेंड किया जाएगा, तो जब भी वो इन्वेस्टर एप्लीकेशन फॉर्म देगा कंपनी को, तो उसके साथ साथ वो चेक को भी सेंड करेगा। अब उसने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सोची, उसके लिए उसने अपना अकाउंट भी ओपन करवा दिया और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ चेक भी दे दिया। अब कंपनी अलॉटमेंट करेगी, कंपनी के पास ऑप्शन है, वो अलॉटमेंट करना चाहे कर सकती है, नहीं करना चाहे ना करे। तो दो कंडीशन हैं कि या तो अलॉटमेंट होगी या फिर अलॉटमेंट नहीं होगी। तो अगर अलॉटमेंट होगी तो तब क्या होगा, नहीं होगी तो तब क्या होगा? तो फर्स्ट केस है, अगर कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी तो वो इन्वेस्टर के अकाउंट में से डिडक्ट कर ली जाएगी, विड्रॉ कर ली जाएगी कंपनी के द्वारा, क्योंकि इस केस में कंपनी अलॉटमेंट कर रही है। अगर कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती तो उस केस में क्या होगा कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन्वेस्टर के अकाउंट के ऊपर कोई भी, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं की तो वो विड्रॉ नहीं कर सकती अमाउंट को। अब है why this scheme is safe, तो इस स्कीम को सेफ क्यों माना गया है? इस स्कीम को सेफ इसलिए माना गया है क्योंकि जो ये एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने में पहले डिले करती थी कंपनी, वो डिले अब इस स्कीम की वजह से नहीं होता, वो रिड्यूस कर दिया गया है डिले होने का टाइम पीरियड। क्योंकि जब कंपनी में अप्लाई किया तो कंपनी के ने अलॉटमेंट अगर नहीं की तो उस केस में क्या होता था, अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें तो कंपनी के पास इन्वेस्टर ने अप्लाई किया, अमाउंट सेंड कर दी एप्लीकेशन की, और उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं करी, तो उसके बाद वो कंपनी क्या करेगी, उसे रिफंड करनी होती थी अमाउंट इन्वेस्टर को, तो उसमें टाइम पीरियड लगता था। बट इस केस में अगर कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती तो वहाँ से विड्रॉ नहीं की जाती इन्वेस्टर के अकाउंट से कोई भी अमाउंट, तो कोई चांस ही नहीं है रिफंड में डिले होने का। और जो ये फैसिलिटी है ये कई बैंकों के द्वारा इंडिया में प्रोवाइड कर दी जा रही है। टेलर सिस्टम, तो टेलर सिस्टम क्या होता है, इसे हम क्विक पेमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, बैंक है जो वो टाइम टू टाइम नई नई स्कीम से इंट्रोड्यूस करवाता है अपने कस्टमर को, ताकि वो पेमेंट को क्विकली कर सकें, क्विकली पेमेंट को रिसीव कर सकें। तो टेलर सिस्टम भी उन्हीं में से एक प्रीवेलेंट एंड क्विक सिस्टम है पेमेंट के लिए। तो इस सिस्टम के अंडर में जो टेलर होता है वो क्या करता है, कैश को रखता है कस्टमर के, लेजर कार्ड को प्रिपेयर करता है और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड को रखता है। अब यहाँ पर जो ये टेलर है ये इन सब तीनों चीज़ों को रखता है, वो कौन पर्सन होता है, बैंक टेलर बोलते हैं उसे हम। ये बैंक टेलर कौन है, एम्प्लॉय है बैंक का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर के कैश को हैंडल करने की। और जो ये टेलर है वो बैंक से ब्रांच से रिलेटेड जो रूटीन कस्टमर सर्विसेज वर्क होते हैं वो भी करता है। अब इस स्कीम के अंडर में जो प्रोसेस होगी पेमेंट की वो कैसे होगी, फर्स्टली चेक रिसीव करेगा, और उसके बाद जो टेलर है उस चेक पे जो सिग्नेचर होंगे उन्हें जो टेलर के पास सिग्नेचर कार्ड है उसके साथ में मैच करेगा। अगर वो सिग्नेचर मैच हो जाते हैं तो वो उस चेक को पेमेंट के लिए पास कर देगा और उसके एंटर कर देगा लेजर में, लेजर में उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर पेमेंट कर दी जाएगी कस्टमर की। फर्स्ट तो वो चेक को रिसीव करेगा, उसके बाद जो उसके पास सिग्नेचर कार्ड है कस्टमर का उसके साथ में चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है उनको मैच करेगा। अगर सिग्नेचर मैच हो जाए
तो पेमेंट के लिए पास कर दिया जाता है और लेजर में एंटर कर दिया जाता है और देन उसके बाद लास्ट में पेमेंट कर दी जाती है कस्टमर को।